हाय फ्रेंड, मैं संध्या। और आज मैंने थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया है। जो लेडीजें घर पे रहती हैं, वर्क बहुत होता है, ये उनके लिए मैंने ये मेकअप बताया है कि अगर आप ऐसा मेकअप करोगे तो शाम तक आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चेहरा ऐसा ही रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके चेहरे में। बार बार आपको चेहरा अपना नहीं मेकअप करना पड़ेगा और आप घर में ऐसे ही सुंदर से दिखोगे। तो इसलिए जैसा मैंने बताया आप वैसा ही मेकअप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लेडीजों को वर्क की वजह से टाइम नहीं मिलता है कि वो मेकअप करें और क्रीम लगाए, ब्रश अपने आंखों में, अपने आंखों पे ये करे वो करे, मुझे पता नहीं होता है। वो जैसे पाती हैं सुबह बस काम पे शुरू हो जाती है। तो इतना तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, इतना 1 मिनट का काम है, ज़्यादा देर नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखना सिस्टर, आप लोग जितनी भी लेडीज हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब देखना ये वीडियो। और चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, सबसे पहले ये मैं ग्लिसरीन लूँगी फ्रेंड, आप देख सकते हो ये मेरे पास सजेसा ग्लिसरीन है, इसको लगाऊंगी मैं। और फ्रेंड, मैं अपने मुंह में कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडियों में कुछ भी चेहरे पे यूज नहीं करती हूँ, मैं ग्लिसरीन से ही मेकअप करती हूँ। मैं पहले ग्लिसरीन लगाती हूँ और तभी मेरा चेहरा बेटर रहता है। तो आप देख सकते हो इसको लगाऊंगी मैं, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं कैसे लगाएंगे। ग्लिसरीन के बाद मैं रिसा ग्लिसरीन यूज करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि मेरे चेहरे में इतना ड्राईपन है और मुझे मॉइस्चराइजर फ्रेंड्स सूट नहीं करता है फेस पे, इसलिए मैं रिसा ग्लिसरीन हमेशा, मैंने आपको ये एक वीडियो में और बताया था कि ठंडियों में कि मैं रिसा ग्लिसरीन लगाती हूँ, और सबसे पहले ठंडियों में बस। और ये मैं बेबी क्रीम लगाऊंगी, आप देख सकते हैं ये बेबी स्पंज क्रीम है, मैंने कई वीडियो में भी आपको बताया था। और ये मैं जो लेडीजें हैं घर पे हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं, मतलब मेकअप नहीं कर पाती हैं, उनके पास काम बहुत होता है, ये उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है और उन्हें लगे कि हम शाम तक कुछ भी नहीं करें और हमारा मेकअप उसी तरह रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल वीडियो हो, ज़रूर देखना फ्रेंड। अब हम इस बेबी क्रीम को सारे जगह मिला लेंगे। ये मैं उनके लिए बनाई हूँ जिनके पास काम बहुत होता है मॉर्निंग में, वो सोचते हैं कि काफ़ी लेडीज के हमें शाम तक कुछ करना ना पड़े। तो ये मैं सब लेडीज से बोलूँगी, आप ऐसा ही अपने चेहरे पे मेकअप करो जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपका शाम तक तो बिल्कुल, अगर ना हो तो आप मेरे से कंप्लेन करना, और शाम तक उसी तरह आपका चेहरा रहेगा और ज़्यादा खिलता जाएगा। कोई प्राइमर यूज नहीं करना, सिर्फ आप ग्लिसरीन लगाइए। ग्लिसरीन लगाने के बाद बेबी क्रीम लगाइए। आप कोई भी क्रीम यूज करते हो बेबी की, फाइनल लवली बेबी क्रीम, तो आप उनको भी लगा सकते हो, बस आपको मेकअप करने का वो होना चाहिए, बस ऐसे लगा लीजिए। इसके बाद मैं ये पाउडर लूँगी बेबी वाला, ताकि मैं अपनी क्रीम को सेट कर लूँ, और एक जल्दी से ब्रश की हेल्प से कि जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए, ज़्यादा समय भी ना लगे, आप देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे दिखेंगे और शाम तक ही रहेगा ये आपका मेकअप। अगर आपके पास प्राइमर है तो थोड़ा सा आप प्राइमर लगा सकते हो सिस्टर, लेकिन मैंने प्राइमर नहीं लगाया, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ, किसी के पास प्राइमर भी नहीं होता है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप क्रीम को बस सेट बस कर लीजिए ऐसे, ये देखिए मैंने सेट कर लिया, और आप देखिए कितना अच्छा क्रीम रंगत लेके आए। इसके बाद थोड़ी सी आप सुबह सुबह जो लेडीजे हैं थोड़ी सी अपनी आईब्रो को फिल कर लीजिए। ये देखिए आईब्रो फिल होने के बाद मैं आउटलाइन लगाऊंगी, मैं मैरून आउटलाइन ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आप जो पसंद करते हो वो आउटलाइन लगा लीजिए। आउटलाइन के बाद ये मेरी आउटलाइन लग गई। अब इसके बाद फ्रेंड में बस आप आउटलाइन के बाद आप तो ये जानते ही क्या है, ये है वैसलिन, आप जानते हैं ना, तो ये वैसलिन को थोड़ा सा यहाँ लगा लें, मैंने लिप बाम लगा रखा था, और ऐसे लगा लीजिए और थोड़ा सा यहाँ लगा लीजिए, थोड़ा शाइनिंग मारेगा, अच्छा लगेगा, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी ताकि अच्छा लगे यहाँ यहाँ, अगर आपको बिंदी लगानी है फ्रेंड तो आप बिंदी लगा सकते हो ऐसे, मैं छोटी सी मैं बिंदी लगा के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ लेडीजों के पास टाइम नहीं होता, मैंने कोई प्राइमर यूज नहीं किया। आप इसे ऐसे ही आप तैयार होगे तो आपका मेकअप शाम तक ही ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये मेकअप डेली मैं करती हूँ और मेरा शाम तक ही ऐसा रहता है चेहरा,
और बहुत अच्छा रहता है अगर आप बिंदी लगाते हो तो आप ऐसे बिंदी लगा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बिंदी भी लगा ली और मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ ग्लिसरीन और थोड़ा बाहर से गाड़ी की आवाज़ आए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ग्लिसरीन और ये बेबी क्रीम, आप जानते ही हो बेबी क्रीम, और ये पाउडर और एक ब्रश। इतना मैंने घर में ही मेकअप किया है और मैं कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती। अगर आप लोग समझे कि मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ ठंडियों में, तो मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ, खाली मैं ग्लिसरीन मैं अपने फेस पे लगाती हूँ और तभी मेरा फेस अच्छा रहता है, नहीं तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा बेटर लगता है ग्लिसरीन, और मैं ग्लिसरीन ही यूज करती हूँ। तो एक बार मेरे कहने से आप ऐसे ही मेकअप कीजिए, आपके पास जो क्रीम हो तो आप यूज कीजिए और ग्लिसरीन के संग कीजिए। आप शाम तक ऐसे ना दिखो तो फिर आप मेरे से बताना, तो मैं फिर फिलहाल आप दिखोगे ऐसे ही दिखोगे जैसे आपने अभी मेकअप किया वैसे ही शाम तक रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने कोई आंखों में मेकअप नहीं किया, खाली क्रीम लगाया है और वही बेबी क्रीम लगाई और आउटलाइन लगाया, लिप बाम लगाया, बस थोड़ी सी वैसलीन लगा के अपने चेहरे को अच्छा बना दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्द पहले मिलती रहे। ओके फ्रेंड, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चलती हूँ, कह रही सॉरी। ओके फ्रेंड, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। ब्रश ली हूँ मैं। ओके बाय बाय।